मुर्गी पालते तो क्या बीमारी आ जाती तो मर जाती थी, इसके वजह से हम पालते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि मुर्गी पालने से क्या फायदा होता, कोई फायदा नहीं। उनको मालूम नहीं थी मुर्गियों को कौन सी बीमारी आ जाती थी। हम यहाँ थे सत्रह सखियों को फिर प्रशिक्षण दिया गया रायप्रिया में 3 दिवस का, और 3 दिवस का प्रशिक्षण में हमको सिखाया गया कि मुर्गियों को कौन सी बीमारी आती। और फिर धीरे धीरे एक घर में लगाए, 2 घर में लगाए, 3 घर में लगाए तो मुर्गियाँ अच्छी दिखने लगी, वजन में दिखने लगी। और अंडे रख रही थोड़े 15 रखती थी तो ज़्यादा थोड़े रखने लगी, ऐसे कई वजन में फर्क आने लग गया। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो छोटे पशुओं के लिए बिल्कुल पहले उपलब्ध नहीं थी, जो कि इस परियोजना से उपलब्ध हुई और जिसका फायदा गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को बड़े स्तर पे हुआ और जो असर हम देख रहे हैं। और पॉलिसी लेवल पर भी इस फायदे का असर इतना हो रहा है कि उस पॉलिसी में भी इंक्लूड करने की चर्चा भी इसमें बड़े स्तर पर चल रही है। और आज की तारीख में 10 गाँव की सफल आयोजन के बाद अब ये करीब 330 गाँव के अंदर यही परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 125 वैक्सीनेटर तैयार किए गए हैं कम्युनिटी।